दोस्तों इस सेक्शन में हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्प्रिंट एंड एन इटरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टीम एंड एन एजाइल टीम। टीम यानी बेसिक एजाइल में उसे टीम कहते थे, सेफ में उसे एजाइल टीम कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। इन इफेक्ट आपको ये पता चल जाएगा कि डे इन एंड डे आउट आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या नहीं। बेसिक जो डेवलपर्स है, QAs है, BAs है, इन्हें केवल इतने का ही काम है कि सेफ में आपको डे इन एंड डे आउट क्या करना है। बाकी पूरा सेफ कैसे चलता है ये तो स्क्रम मास्टर जाने और RTE जाने, ठीक है, आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कॉमन पीपल है, जो कि डेवलपर्स है, QAs है, जो अपने बिल्कुल काम से काम रखना चाहते हैं, जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भैया अंतर क्या है, मेरे काम करने में क्या अंतर आएगा, वर्किंगली मेरा क्या डिफरेंस है, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, जो बेसिक एजाइल था इसमें आपको हुआ करता था एक स्प्रिंट, ठीक है, स्प्रिंट। और इस स्प्रिंट का शुरुआत हुआ करता था स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग से। हर एक दिन आपको एक DSM मीटिंग हुआ करती थी, यानी ही डेली स्टैंड अप मीटिंग। इसकी फ्रीक्वेंसी थी वंस अ डे, और इसके बाद में वंस अ वीक आपकी एक और मीटिंग हुआ करती थी जिसका नाम है स्प्रिंट बैकलॉग रिफाइनमेंट। इसी को कुछ लोग एस्टिमेशन मीटिंग कहते हैं। इसका मतलब यह है, इसमें तीन चीज़ें होती है। एक तो प्रोडक्ट ओनर आपको समझाएगा कि आगे आने वाले जो स्प्रिंट है उसमें कौन सी स्टोरीज आप ले सकते हो, ऐसे जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, ऐसे स्टोरीज आपको एक्सप्लेन करेगा, आपके डाउट्स रिजॉल्व करेगा। उसके बाद में फिर आप उसे एस्टिमेट करोगे कि ये स्टोरी कितने स्टोरी पॉइंट्स के लिए जाती है, और ये हो गया एस्टिमेशन। और उसके बाद में एस्टिमेशन के दौरान भी या एस्टिमेशन के पहले डाउट रिजोल्यूशन में, लेट अस से कि आपको ऐसा लगता है कि इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया गलत लिखा है, या इसमें कोई एडिशन करने की ज़रूरत है, या इस स्टोरी को थोड़ा स्प्लिट करने की ज़रूरत है दो छोटे स्टोरीज़ में, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ एक और छोटा सा फीचर ऐड कर लेते हैं या दो स्टोरीज़ को मर्ज कर लेते हैं, तो ये सारे जो अरेंजमेंट्स है, ये जो बैकलॉग का रिफाइनमेंट है, ये सब आप यहाँ पर कर सकते थे। तो तीन चीज़ें, पहले प्रोडक्ट ओनर आपको स्टोरी समझाएगा, आपके डाउट्स रिजॉल्व करेगा, फिर आप उसे एस्टिमेट करोगे, और तीसरा इफ़ रिक्वायर्ड आप बैकलॉग रिफाइन करोगे। ओके, तो ये तीन चीज़ें होती थी स्प्रिंट बैकलॉग रिफाइनमेंट मीटिंग में। उसके बाद में आपको एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट मिलता था एक प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के ऊपर आप करते थे स्प्रिंट डेमो। स्प्रिंट डेमो यानी क्या, कि जहाँ पे आप स्प्रिंट प्लानिंग करते हो ना, तो स्प्रिंट प्लानिंग में आपका जो टीम बैकलॉग है उसमें से कुछ स्टोरीज आप कमिट करते हो कि इतने स्टोरीज, लेट अस से 7 स्टोरीज हम इस स्प्रिंट में लेंगे। तो ये 7 स्टोरीज आपके बन जाते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। ओके, तो ये स्प्रिंट बैकलॉग में जितने स्टोरीज है वो सारे के सारे यहाँ पे स्प्रिंट डेमो के ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेट होंगे। किसे डेमो करेंगे आप, कौन डेमो करेगा, तो आपकी टीम डेमो करेगी आपके प्रोडक्ट ओनर को। ये याद रखिए, टीम डेमो करती है, QA डेमो नहीं करता या पर्टिकुलर डेवलपर डेमो नहीं करता, टीम डेमो करता है। ये एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन या फिर एग्जाम का क्वेश्चन भी हो सकता है कि हु डेमोन्स्ट्रेट्स, टीम डेमोन्स्ट्रेट्स, नॉट द QA, नॉट द BA, नोबडी, टीम। और किसे डेमो होता है, प्रोडक्ट ओनर को डेमो होता है। बाद में प्रोडक्ट ओनर हर एक स्टोरी के लिए बोलेगा कि यस आई एक्सेप्ट दिस स्टोरी या फिर आई रिजेक्ट दिस स्टोरी। अगर रिजेक्ट होती है तो दोबारा जो नेक्स्ट स्प्रिंट का स्प्रिंट प्लानिंग आएगा उसमें आप उसे पिक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर नहीं पिक करना चाहते तो मत पिक कीजिए, लेकिन वो टीम बैकलॉग में ऐड हो गई स्टोरी, ये आपकी कंप्लीट नहीं हुई, टीम बैकलॉग से बाहर नहीं जाएगी, ये स्टोरी टीम बैकलॉग में रहेगी, ठीक है। और ये जब पूरा स्प्रिंट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आप करोगे स्प्रिंट रेट्रो। स्प्रिंट रेट्रो यानी एक रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है जिसमें आप देखोगे कि ये पूरा स्प्रिंट आपने कैसे परफॉर्म किया, व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिड नॉट गो वेल, एंड व्हाट कैन बी डन बेटर द नेक्स्ट टाइम। ये तीन कॉलम्स होते हैं जो आप डिस्कस करते हो। एंड फाइनली व्हाट डिड नॉट गो वेल एंड व्हाट कैन बी डन बेटर द नेक्स्ट टाइम, इनके लिए आप कोई एक्शन आइटम्स डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो ये होता है आपका स्प्रिंट रेट्रो। इसके अलावा छोटे छोटे नुआंसेस यानी क्या, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। तो छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें मैं आपको थोड़ी और बता दूं। आपकी टीम कैसे होती है यह आपको पता होना चाहिए। आपके टीम में एक होता है स्क्रम मास्टर, एक होता है प्रोडक्ट ओनर, और एक होती है आपकी डेव टीम। अब डेव टीम का मतलब ये नहीं कि केवल डेवलपर्स इसमें आते हैं, डेवलपर्स भी और QAs भी, और इवन डेवलपर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हो सकता है कोई UX डेवलपर हो, कोई UI डेवलपर हो, कोई सर्विस डेवलपर हो,
या फिर कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी DBA हो. ओके, तो एज द नेम सजेस्ट DBA केवल डेटाबेस से काम करते हैं. सर्विस यानी डेटाबेस में वैल्यूज कैसे ऐड करेंगे और कैसे उससे रिट्रीव करेंगे, इसके लिए सर्विसेज लिखी जाती है जो कि वेब API से एक्सपोज की जाती है. और फिर UI टीम यानी उस API को एक्सेस करते हैं ये लोग, एंड लुक एंड फील जो UI लेयर होती है वो बनाएंगे. और UX यानी इस UI लेयर का जो भी उन्होंने बनाया है पेज, इस पेज को चकाचक चमका देने का काम होता है UX टीम का. ठीक है, तो ऑफकोर्स इनकी एक्सपर्टीज़ भी वैसी होती है. DBA वाले लोग डेटाबेस में एक्सपर्ट होते हैं, यानी अगर MongoDB होगा तो वो डेटाबेस या फिर SQL या Oracle ऐसे में एक्सपर्ट होंगे. सर्विस टीम की एक्सपर्टीज़ होती है यूजुअली जावा या .NET में या आजकल Node.js में भी. UI टीम की एक्सपर्टीज़ होती है Angular, React, Vue.js या ऐसी सारी चीज़ों में, यानी UI frameworks में. और UX टीम की एक्सपर्टी होती है HTML और CSS में. अब जहाँ मैं CSS कह रहा हूँ वहाँ आजकल CSS के जगह पे SCSS, SAS वगैरह ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं या लेस इस्तेमाल करते हैं. तो UI और UX में अंतर यही है कि UI यानी आपकी फंक्शनैलिटी के ऊपर ये लोग काम करेंगे. आपका UI कैसे काम करेगा इसका फंक्शनैलिटी UI वाले देखेंगे, और UX वाले लोग ये देखेंगे कि वो पेज दिखता कैसा है. ठीक है, लुक एंड फील के ऊपर काम करने वाले लोग UX यानी यूज़र एक्सपीरियंस टीम से बिलोंग करते हैं. UI यानी यूज़र इंटरफेस. तो ये है आपका टीम का स्ट्रक्चर. टीम कितनी बड़ी होती थी तो आपकी टीम स्प्रिंट में यानी बेसिक एजाइल वाला जो होता था उसमें आपकी टीम हुआ करती थी 7 ± 2 पीपल, यानी ही 5 to 9 पीपल. ओके, तो ये है पूरी बात. एक बेसिक एजाइल में आप स्प्रिंट कैसे परफॉर्म करते थे उसका. और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी. तो स्प्रिंट की फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी 2 to 4 वीक. ओके, 2 से 4 वीक. तो ये हो गया आपका बेसिक एजाइल. अब मैं रिलेट कराता हूँ इसे सेफ के साथ. सबसे पहले तो इसे आप टीम कहते थे, इसे टीम नहीं कहते सेफ में. सेफ में इसे कहेंगे एजाइल टीम. ठीक है, तो पहला फ़र्क ये आ गया कि इट इज़ कॉल्ड एज एजाइल टीम. वो कितनी बड़ी होगी, 7 ± 2 नहीं होगा, इसमें होगा 8 ± 3 यानी ही 5 to 12 पीपल. ओके, 5 to 12 पीपल. उसके बाद में देखते हैं रोल्स क्या होंगे. स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, डेव टीम और ये सारे रोल्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे. तो ये वाला जितना है पोर्शन ये सेम है, कोई अंतर नहीं है. ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे. स्प्रिंट को स्प्रिंट नहीं कहते हैं, इटरेशन कहेंगे. तो यहाँ पे इटरेशन कहेंगे. ये 2 से 4 हफ्ते का नहीं होगा, ये एग्जैक्टली 2 हफ्तों का होगा. ठीक है, स्प्रिंट प्लानिंग को ऑफ कोर्स कहेंगे इटरेशन प्लानिंग. स्प्रिंट बैकलॉग को कहेंगे इटरेशन बैकलॉग. DSM को कहेंगे DSU यानी डेली स्टैंड अप मीटिंग. भूल जाइए, डेली स्टैंड अप कहेंगे इसे. बाकी इसमें 3 वही सवाल पूछे जाएंगे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू टुडे एंड इज देयर एनी इंपेडिमेंट. इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 डे ही है. सिर्फ DSM मीटिंग को DSU मीटिंग कहते हैं, यानी डेली स्टैंड अप ऐसा कहते हैं सेफ में. फिर सेफ में अगेन स्प्रिंट बैकलॉग के जगह पे आप कहोगे इटरेशन बैकलॉग रिफाइनमेंट. ये भी एक हफ्ते में एक बार होगी और इसका भी वैसा ही है जैसे आप स्प्रिंट बैकलॉग रिफाइनमेंट करते थे, बिल्कुल वैसे ही इटरेशन बैकलॉग रिफाइनमेंट होगा, कोई अंतर नहीं है. फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा. फिर स्प्रिंट डेमो के जगह पे आपको इटरेशन डेमो होगा. स्प्रिंट रेट्रो के जगह पे इटरेशन रेट्रो होगा. बाकी दोनों ही मीटिंग्स बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म होगी, कोई अंतर नहीं है. ठीक है, तो ये है बेसिक. मैंने आपको बताया कि डे इन एंड डे आउट आपके ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप बेसिक एजाइल से सेफ एजाइल में जाओगे. तो ये पूरा लेक्चर मैंने सामान्य डेवलपर्स, सामान्य QAs के लिए दिया है. जिन्हें स्क्रम मास्टर बनने की कोई इच्छा नहीं है, जिन्हें ना तो स्क्रम मास्टर का इंटरव्यू देना है ना स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना है, ठीक है, जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि देखिए जी पहले बेसिक एजाइल में काम करता था, आज मैं स्केल्ड एजाइल में काम करता हूँ, तो मेरे ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा. तो ये मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा कोई फ़र्क आने वाला नहीं है. आप जहाँ जहाँ स्प्रिंट बोलते थे वहाँ वहाँ पर इटरेशन बोलिए. ठीक है, और टीम स्ट्रक्चर भी आपका सेम है, केवल इटरेशन आपका 2 ही हफ्तों का होगा और
ये जो टीम साइज है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है, थोड़ी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी एक से बढ़ गई है, और इसमें यानी एक यानी दो से बढ़ गई है प्लस माइनस होने की वजह से, और बेसिक साइज बेस साइज भी उसकी एक से बढ़ गई है। ओके, सो इट इज़ 5 to 12, इतना आपको केवल याद रखना है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वॉट इज़ प्रोग्राम इंक्रीमेंट। प्रोग्राम इंक्रीमेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इटरेशंस, मल्टीपल इटरेशंस को एक साथ बोलेंगे प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। तो क्या होता है प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, देखते हैं अगले लेक्चर में।